नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूं आपके साथ। भाई हमारे भाई हैं उत्तराखंड से विवेक, उनकी रिक्वेस्ट आई थी कि भी हैंडबॉल पर वीडियो बनाइए। एक दो और रिक्वेस्ट आई है भाई की, तो हैंडबॉल पर वीडियो बना रहे हैं। एक भाई ने पीछे कमेंट किया था पिछली वीडियो पर, भाई कुछ कार्डिक साइकिल में, कार्डिक साइकिल जो का एवरेज टाइम है 0.8 सेकेंड है, जो डायस्टोलिक है और सिस्टोलिक है उसमें बता रहा था। भाई जो प्रकुचन है हिंदी में बताता हूँ, भाई इंग्लिश का तो पता नहीं, जो प्रकुचन सिकुड़ने में है 0.3 सेकेंड और फैलने में है 0.4 या 5 सेकेंड स्टैंडर्ड है। भाई थोड़ा सा इंग्लिश के कारण एक आध माइनर मिस्टेक हो जाती है, मिस्टेक करने की हम सोचते नहीं। और भाई आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो काला सिंगल जो भाई कमेंट कर रहे थे कि भी बगैर देखे जितने लेक्चर मेरे हैं किसी और के दिखा देना, एक भी बता दे तू कोई भी हो तो, जो बगैर देखे किताब में देखते हैं भाई, और हम बिना देखे जैसी भी जानकारी होती कोई माइनर मिस्टेक हो जाती है पुस्तकों में, इतनी गलतियां मैं क्या कर सकता हूँ भाई। चलिए दोस्तों, बाज भाई थोड़ा सा मन व्यथित है, जो देश के हालात हैं इस पर भाई तिरंगे का अपमान मत करो, इसके लिए भारत माँ के पता नहीं कितने लाल फांसी पर झूल गए चंद्रशेखर जैसे वीर, जिन्होंने लड़ते लड़ते ही अपने अंग्रेजी सरकार से हुकूमत से प्राण त्याग दिए। चापेकर बंधु तीन भाई थे एक माँ के, तीन लाल फांसी के तख्ते पर झूल गए, उस माँ का हृदय क्या कहता होगा। इस तिरंगे का अपमान मत करो दोस्तों, शांति बनाए रखो, और शांतिपूर्वक जो आंदोलन है, अन्नदाता की स्थिति भी बुरी है। सरकारें भाई एक भी नेता का आज तक, किसी का बेटा किसी संगठन से जुड़ा हो, किसी प्रदर्शन में मरा हो, एक भी बता दो, सबके बार पढ़ते हैं, एक भी नहीं है, किसी को मतलब नहीं है। तो हिंसा मत फैलाओ दोस्तों, आपको छुड़वाने वाला कोई नहीं, आप पर जिम्मेवारी आपके माता पिता की। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हैंडबॉल। हैंडबॉल का पितामह, फादर ऑफ हैंडबॉल, फादर ऑफ हैंडबॉल कार्ल सैलेंज। भाई स्पेलिंग थोड़ा सा हो सकती है इंग्लिश में कार्ल सैलेंज, हिंदी में भी लिख देता हूं कार्ल सैलेंज। जर्मनी को ही हैंडबॉल का जनक कहा जाता है भाई, जर्मनी देश को, जर्मनी में ही हैंडबॉल का उदय हुआ, हैंडबॉल का उदय हुआ। कार्ल सैलेंज ने ही इससे टोरबॉल से हैंडबॉल के रूप में स्वीकार किया, हैंडबॉल के रूप में स्वीकार किया। भाई आपको यह भी याद रखना है, फादर ऑफ हैंडबॉल कार्ल सैलेंज, हैंडबॉल का जनक जर्मनी, जर्मनी में ही उदय हुआ, मध्य यूरोप में लगा लो जर्मनी, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। कार्ल सैलेंज ने ही इसे टोरबॉल से हैंडबॉल के रूप में स्वीकार किया, इसे मध्य यूरोप में कैचबॉल भी कहा जाता, भी कैचबॉल, आपको यह भी याद रखना है भाई। हैंडबॉल का जो जनक है वो पितामह है भाई, कार्ल सैलेंज को कहा जाता है। और भाई कोनार्ड भी है कई पुस्तकों में, इतनी गलतियां भाई हम क्या कर सकते हैं, इतने डाउट हैं जिसकी कोई हद नहीं। इसे मध्य यूरोप में कैचबॉल भी कहा जाता है। भारत में हैंडबॉल का जनक कौन है भाई, जगत सिंह चौहान, आपको ये भी याद रखना है, जगत सिंह चौनाट को चौहान। और भाई 1897 में हैंडबॉल के नियम बनाए गए कोनार्ड द्वारा, ये भी है भाई कई पुस्तकों में, कोनार्ड, कहीं पे कोमार्ड है भाई, कहीं पे कोनार्ड है,
अब इतनी गलतियां हैं उसमें हम कहां कहां तक पढ़े, विकिपीडिया से भी जानकारी निकालते हैं। फादर ऑफ हैंडबॉल कार्ल सेलेंज, कार्ल सेलेंज ने ही टोरबॉल से हैंडबॉल के रूप में इसे स्वीकार किया। मध्य यूरोप में इसे कैच बॉल कहा जाता है। भारत में हैंडबॉल का जनक जगत सिंह चौहान 1897 में हैंडबॉल के नियम बनाए। कोनार्ड जर्मन जिम्नास्टिक थे जो उन्होंने, आपको ये याद रखना। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला भाई जो इसी में भाई हैंडबॉल का भारत में जनक है जगत सिंह चौहान, और जो अंतरराष्ट्रीय हैंडबॉल का जो जनक है वो कार्ल सेलेंज है भाई, इसको माना जाता है। और कोनार्ड ने इसके नियम बनाए, कई पुस्तकों में कोनार्ड को भी इसका जन्मदाता माना जाता है भाई। अलग अलग बातें, फादर ऑफ हैंडबॉल भरोगे तो कार्ल सेलेंज ही आएगा। मध्य यूरोप में इसे कैच बॉल कहा जाता था। आगे चलते हैं दोस्त, थोड़ा सा इसके बारे में और बताते हैं भाई। एशियन गेम्स में हैंडबॉल को कब शामिल किया गया, एशियन गेम्स में हैंडबॉल को कब शामिल किया गया, एशियन गेम्स में एशियन गेम्स में हैंडबॉल को कब शामिल किया गया भाई, हैंडबॉल को 1982 नौवें एशियाई खेल दिल्ली में भाई, 1982 नई दिल्ली में, अप्पू इनका शुभंकर था, नौवें एशियाई खेल थे भारत में हुए थे भाई ओलंपिक में, कब शामिल किया गया भाई हैंडबॉल को, इंट्रोड्यूस करा गया 1928 में और शामिल किया गया भाई 1936 में, मेंस के लिए, मेंस आउटडोर था भाई पहले, कैसा था आउटडोर। 1972 में क्या हो गया भाई, इंडोर, इंडोर हो गया। और महिलाओं के लिए, वुमेन के लिए ओलंपिक में भाई, ओलंपिक में कब शामिल किया गया भाई 1976, कहां पर हुए, मंट्रियल कनाडा, विश्व की कागज की राजधानी कहा जाता है। मंट्रियल शहर कनाडा का एक शहर है मंट्रियल, उसे विश्व की कागज की राजधानी कहा गया है। यहां पर पृथ्वी सम्मेलन भी हुए हैं भाई। और 1972 के ओलंपिक कहां हुए, म्यूनिख जर्मनी में, आपको यह भी याद रखना है। और जर्मनी की राजधानी बर्लिन है जो सपरी नदी के किनारे। 1936 में भी जर्मनी में ही ओलंपिक हुए थे बर्लिन में, और उस टाइम पर यहां के प्रमुख थे भाई, यहां के प्रमुख थे हिटलर। माइन काम मेरा संघर्ष इनकी जीवनी है, आप पढ़िएगा, थोड़ा सा ज्यादा डीपली है लेकिन संघर्ष देश प्रेम इनमें था भाई, अपने देश के लिए। जातियां पार्टियां छोटी हैं, सबसे सर्वोपरि है राष्ट्र, किसने कहा था भाई, हिटलर ने। ओलंपिक्स में कब शामिल किया गया भाई, एशियन गेम्स में 1982 में, ओलंपिक्स गेम में 1936 में, आउटडोर था भाई पहले, कैसा था आउटडोर, 1972 में इंडोर हो गया, महिलाओं के लिए 1936 में फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप, फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप मैन हैंडबॉल, मैन हैंडबॉल, मैन हैंडबॉल कब हुई भाई, 1938 में, 1938 में फर्स्ट वुमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप, फर्स्ट वुमेन हैंडबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप अपनी भी वर्ल्ड चैंपियनशिप 1957 में, आपको ये भी याद रखना है। एशियन गेम्स में कब इंक्लूड किया गया भाई, 1982 नई दिल्ली में, ओलंपिक गेम्स में 1936 आउटडोर, 1972 में इंडोर, ओलंपिक में महिलाओं के लिए 1976 मंट्रियल कनाडा में। प्रथम विश्व चैंपियनशिप कब हुई भाई हैंडबॉल की, पुरुषों की 1938 में और महिलाओं की 1957 में, आपको ये भी याद रखना।
आगे चलते हैं भाई। इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन का गठन 1946 में, इसका मुख्यालय कहाँ है भाई? इसका मुख्यालय है बासेल, स्विट्जरलैंड का एक शहर है बासेल, वहां पर इसका मुख्यालय है, आपको ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। भाई कुछ भाई कहते रहते हैं भाई आपका टाइम ज्यादा खराब होता, स्पीड से लिखो, कोई कहता भाई आराम से बोलो, कोई सबको संतुष्ट करना भाई नहीं कर किया जा सकता। इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन, इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन कब भाई? 1946 में, 1946 में बासेल स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, बासेल स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है भाई, जो अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल फेडरेशन, इसका जो गठन है कब हुआ भाई? 1946 में, कतर में ना 1946 में भाई, श्योर नहीं हूं 1940 पे शोर हूं, लेकिन कहाँ हुआ? कतर है कहीं पे या कहीं पे और जगह है भाई, अलग अलग किताबों में अलग अलग जगह दिया गया, लेकिन बासेल स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय, और 1946 में इसका जो क्या है भाई गठन हुआ। भारतीय हैंडबॉल फेडरेशन, इंडियन हैंडबॉल फेडरेशन भाई हसन मुस्तफा इसके जो प्रेसिडेंट हैं, इंटरनेशनल जो फेडरेशन है इसके मुख्य प्रमुख हैं कौन हैं? हसन मुस्तफा कहाँ के हैं भाई? ये मिस्र के हैं, इजिप्ट, मिस्र की राजधानी है इजिप्ट की कायरो, जो नील नदी के किनारे है। इंडियन हैंडबॉल फेडरेशन 1972 में गठन हुई, 1972 में गठन हुआ भाई। इसके जो प्रेसिडेंट हैं जगन मोहन राव इसके प्रेसिडेंट हैं। एशियन हैंडबॉल फेडरेशन कब भाई? 1976 में, 1976 में इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन 1946 में गठन, बासेल स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, हसन मुस्तफा मिस्र के हैं जो इसके प्रेसिडेंट हैं। इंडियन हैंडबॉल फेडरेशन 1972 में भाई जगन मोहन राव इसके प्रेसिडेंट हैं। एशियन हैंडबॉल फेडरेशन 1976 में, आपको ये याद रखना। आगे चलते हैं दोस्तों भाई, अब इसका थोड़ा सा मेजरमेंट कर लेते हैं और इसके जो नियम मापन व नियमन रूल्स एंड मैनेजमेंट कर लेते हैं भाई। इसका जो ग्राउंड है, जो कोर्ट पर खेला जाता है भाई हैंडबॉल, अब इंडोर हो गया है, पहले आउटडोर था। अपर इंडिया में तो अब भी आउटडोर ही खेला जाता है ज्यादातर, लेकिन इस किस पर खेला जाता है? कोर्ट पर, आपको ये भी याद रखना है। हैंडबॉल का कोर्ट कैसा होता है? आयताकार होता है भाई, हैंडबॉल का जो कोर्ट होता है वो आयताकार है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है भाई? 40 मीटर। चौड़ाई कितनी है भाई? 20 मीटर। गोल पोस्ट की जो चौड़ाई है यहां से यहां तक वो कितनी है भाई? 3 मीटर है। और जो ये यहां से यहां तक हम ऊंचाई है वो 2 मीटर है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है भाई, ये होगी ऑफलाइन, दोनों तरफ हो गया भाई गोल,
गोल पोस्ट हो गए दोनों तरफ। अब भाई जो डी होती है वो कितने मीटर पर होती है? डी है ये कितने मीटर पर है भाई? 6 मीटर पर है, आपको ये भी याद रखना, 6 मीटर पर डी होती है, 6 मीटर पर डी है। और जो फ्री थ्रो लाइन है ये कितने मीटर पर है भाई? ये 9 मीटर पर है, आपको ये भी याद रखना है। ये कितने मीटर पर है? ये जो इसकी फ्री थ्रो लाइन है 9 मीटर, फ्री थ्रो लाइन, फ्री थ्रो लाइन कितनी पे है भाई? 9 मीटर पे। और डी कितने पे है? डी डी लाइन है 6 मीटर पर, आपको ये भी याद रखना है। गोल पोस्ट की चौड़ाई 3 मीटर, ऊंचाई 2 मीटर, डी है जो वो 6 मीटर पर, और जो फ्री थ्रो लाइन है वो 9 मीटर पर है। 1 मीटर लंबा यहाँ 7 मीटर, ये इसका डिस्टेंस कितना है भाई? यहाँ बता देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक पेनल्टी, पेनल्टी स्पॉट, स्पॉट कितने पे है भाई? 7 मीटर पर, आपको ये याद रखना भाई, 7 मीटर है ये, आपको ये भी याद रखना है, पेनल्टी जो स्पॉट है वो 7 मीटर पर है। यहां भी लिख देता हूं, पेनल्टी स्पॉट कितने पे है भाई? 7 मीटर पर है, 7 मीटर पर। 1 मीटर लंबी लाइन होती है इसकी, 1 मीटर लंबी, ये सॉरी भाई अंदर लग गया, ये 1 मीटर लंबी होती है, आपको ये भी याद रखना है। 7 मीटर पर होता है पेनल्टी जो स्पॉट होता है। और पेनल्टी को रोकने के लिए गोल रेस्ट्रेनिंग लाइन है, गोलकीपर अगर कोई पेनल्टी ले रहा तो आगे नहीं आ सकता, वो कितने पर है भाई? 4 मीटर पर है, आपको ये भी याद रखना है। भाई जो कोर्ट है 40 मीटर लंबा 20 मीटर चौड़ा, ठीक है भाई, जो गोल का एरिया है जो ना गोल पोस्ट है वो कितनी है भाई? गोल पोस्ट भाई 3 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा, ठीक है भाई। पेन डी लाइन है 6 मीटर पर, फ्री थ्रो लाइन है 9 मीटर पर, डी लाइन ये होगी, फ्री थ्रो लाइन ये होगी भाई। ये है पेनल्टी स्पॉट, पेनल्टी स्पॉट है 6, जहां से फ्री थ्रो दिया जाता है, ये 7 मीटर पर है, कितने मीटर पर है भाई? 7 मीटर पर है। और गोल रिस्ट्रेशन लाइन है वो कितने पर है भाई? 4 मीटर पर, कि उससे आगे अगर कोई खिलाड़ी पेनल्टी लेता है तो गोलकीपर आ नहीं सकता, वैसे गोलकीपर आधी लाइन से आगे भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेनल्टी लेते समय इससे आगे नहीं जा सकता। नए रूल में कुछ है भाई, पुराने में कुछ है। अब भाई कुल कुल खिलाड़ी कितने होते हैं? टोटल खिलाड़ी कितने हैं? 7 प्लेइंग में है भाई, 7 प्लेइंग में कितने हैं? 7। नए रूल में 7 ही एक्स्ट्रा दिखा रहा है, लेकिन जो बता रहे हैं भाई अभी बात हुई है कोच से, 7 + 5 एक्स्ट्रा, कई जगह अब नए रूल में 7 एक्स्ट्रा है, ये भी मत कही हो भाई कि आपने इतने बता दिए, ये इतने बता दिए, 7 + 5 एक्स्ट्रा, और 4 और एक्स्ट्रा हैं जो बाहर बैठे हैं, अगले मैच में बदले जा सकते हैं, लेकिन मैच में एक्स्ट्रा कितने हैं भाई? 5। नई किताबों में जो रिमेनिंग जिन्हें बदला जा सकता हो कई जगह 7 भी मिलेगा भाई, ये भी बता देता हूं, नहीं तो इतना प्रहार कर देते हैं, छोटी सी माइनर उस पर, कहीं पर 7 है भाई नए रूल, कहीं अब एक भाई ने पीडीएफ भेजी थी उसमें 7 है रिमेनिंग खिलाड़ी, लेकिन जो एक्स्ट्रा खिलाड़ी कितने हैं भाई, जो जिनको बदला भी जा सकता है मैच के दौरान, वो 5। और भाई आप भी अपने कमेंट दे दीजिए भाई नए रूल में कितने हैं, ठीक है भाई, आपको ये याद रखना है। अब टाइम ड्यूरेशन कितनी है भाई? टाइम ड्यूरेशन ऑफ मैच, टाइम ड्यूरेशन मैच की, टाइम ड्यूरेशन
कितनी है भाई समय अवधि, टाइम ड्यूरेशन भाई मेल के लिए कितनी है भाई 30 10 30, 30 मिनट मैच, 10 मिनट रेस्ट, फिर 30 मिनट प्लेइंग, ये आपको याद रखना है फीमेल के लिए। कई जगह भाई बीच का टाइम 15 भी मिलता है नेट पर, लेकिन भाई 30 10 10 30 10 30 ये इसका टाइम है, और महिलाओं के लिए 20 10 20, फीमेल के लिए 20 मिनट प्लेइंग, आपको ये भी याद रखना है भाई। एंडवाल का जो, अब आते हैं टाइम आउट पे, टाइम आउट भाई, टाइम आउट एक आफ में जो वैसे खेल की दृष्टि से देखा जाए तो दो टाइम आउट ले सकती है 30 सेकंड के एक टीम, और है भी भाई ये, लेकिन टाइम आउट है जो टोटल टाइम आउट टाइम है, टोटल टाइम आउट टाइम इन वन हाफ, इन वन हाफ वो 60 सेकंड है भाई, 60 सेकंड आपको ये याद रखना है। इसमें जो मैंने एग्जाम दिया था चंडीगढ़ का टीजीटी का 2014 में, उसमें 60 सेकंड ही उत्तर मानना था, लेकिन भाई जब प्लेइंग में जाते हैं तो 30-30 सेकंड के दो ले सकते हैं, लेकिन टोटल टाइम आउट एक हाफ में कितना टाइम आउट का समय हो सकता है वो 60 सेकंड है टोटल, 30-30 सेकंड के दो भी हैं भाई कहीं पर आ जाए तो। अब इस बारे में भी आप अपने कमेंट दे सकते हैं, ये जो भाई टोटल ये टाइम आउट का समय है, दोबारा बता देता हूं भाई, फुटबॉल ना इसका हैंडबॉल का जो कोर्ट होता है 40 मीटर लंबा 20 मीटर चौड़ा, गोल पोस्ट है 3 मीटर लंबा 2 मीटर चौड़ा, और भाई जो डी लाइन है वो 6 मीटर और जो फ्री थ्रो लाइन है वो 9 मीटर, पेनल्टी स्पॉट है जो जहां से पेनल्टी दी जाती है 7 मीटर दूरी, गोल रिस्ट्रिक्शन लाइन है जो जहां से आगे गोलची नहीं आ सकता वो है 4 मीटर पर, आपको ये भी याद रखना है भाई। टाइम ड्यूरेशन है मैच की अवधि 30 मिनट प्लेइंग, 10 मिनट रेस्ट, 30 मिनट फिर प्लेइंग फॉर मेल, और भाई फीमेल के लिए 20 10 20, 20 मिनट प्लेइंग, 10 मिनट रेस्ट और फिर 20 मिनट प्लेइंग, टाइम आउट इन वन आफ 30-30 सेकंड के दो भी ले सकता है, लेकिन टोटल टाइम आउट टाइम है वन आफ में वो 60 सेकंड है, आपको ये भी याद रखना भाई। इतनी जो आपको भ्रम रखने वाली स्थिति रहती है भाई, पहले दिए जाते थे 7+5 खिलाड़ी एक्स्ट्रा जो मैच में बदले जा सकते हैं, रिमेन करे जा सकते हैं, अब नए रूल में भाई जो अब नए रूल में है वो 7 भी है कहीं पे, और अगले मैच के लिए 4 और कवरिंग में रहते हैं जो अगले मैच के लिए, कहीं पर नए रूल में रिमेनिंग खिलाड़ी 7 भी दिए गए हैं भाई, आपको ये भी आप अपने जो हैंडबॉल के हमारे व्यूवर्स हैं जो स्टूडेंट हमारे वो बता सकते हैं भाई नए रूल में क्या है। अब आता है भाई हैंडबॉल की बॉल, बॉल बॉल का वजन, बॉल का वेट कितना है भाई, बॉल का वजन है मेल के लिए, मेल के लिए कितना है भाई बॉल का वजन, मेल के लिए बॉल का वजन है 425 से 475 ग्राम, 475 ग्राम, 425 से 475 ग्राम किसके लिए भाई, मेल के लिए हैंडबॉल का वजन वेट, हैंडबॉल का जो वजन है वो पुरुषों के लिए 425 से 475, और इसकी परिधि है, परिधि 58 से 60 सेंटीमीटर, 58 से 60 सेंटीमीटर इसकी परिधि है, और भाई जो फीमेल के लिए है, फीमेल के लिए वजन 325 से 375 ग्राम, और परिधि है वो कितनी है भाई 54 से
छप्पन, चमन से 56 सेंटीमीटर इसकी परिधि है जो महिलाओं का है। आपको भाई जो महिलाओं के लिए परिधि है वो दोबारा बता देता हूं भाई, जो टाइम कोर्ट है 40 मीटर लंबा है, 20 मीटर चौड़ा है, डी लाइन है वो 6 मीटर, फ्री थ्रो लाइन 9 मीटर, पेनल्टी स्पॉट है 4 मीटर, गोल पोस्ट की ऊंचाई है 2 मीटर, लंबाई है 3 मीटर, और भाई प्लेइंग स्पॉट पेनल्टी स्टॉप स्पॉट है भाई, पेनल्टी स्पॉट है वो कितने पर, 7 मीटर पर है, और गोल रिस्ट्रिक्शन लाइन 4 मीटर पर है। टोटल खिलाड़ी प्लेइंग में 7 होते हैं, 5 एक्स्ट्रा नए में कहीं वह 7 एक्स्ट्रा भी है भाई। जो टाइम आउट का की अवधि है वो 60 सेकंड है, और 58 से 60 सेंटीमीटर इसकी जो परिधि है पुरुषों के लिए, वजन है 425 से 475 ग्राम, और परिधि 58 से 60 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए भाई 325 ग्राम से 375 ग्राम, और परिधि है 54 से 56 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमारी यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए, और भाई बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।